हेड है इसको। मूवमेंट बहुत बढ़िया है यार, मेरे से तो देखा भी नहीं जा रहा था ऐसे 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 ऐसे। अच्छा ओके तो और मेरे भाई लोग कैसा तुम फिर से रह चुको आप लोगों के लिए वीडियो में की और भी एक कमाल की वीडियो लेकर। और भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप स्ट्रॉन्ग प्लेयर के अगेंस्ट 1v1 टीडीएम जीत सकते हो। चाहे भाई आप टीडीएम टूर्नामेंट खेल रहे हो, चाहे भाई आप पेड टीडीएम मैच खेल रहे हो, चाहे भाई आप फ्रेंडली टीडीएम मैच खेल रहे हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आज की इस वीडियो में जो जो चीज मैं भाई लोग आप लोगों को बताऊंगा सारे के सारे चीज को अगर भाई आप अच्छे तरीके से फॉलो करते हो ना आपका विनिंग परसेंटेज भाई काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। एंड सामने चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर क्यों ना हो भाई आप उसको बहुत ही ज्यादा इजीली तरीके से बीट कर सकते हो। तो ये वीडियो भाई साहब आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और अगर भाई आप एक टीडीएम लवर हो तब भाई फटाफट से वीडियो में एक एक लाइक कर दो। 1.5 के लाइक आप लोगों को इस वीडियो में कम्प्लीट करवाना है। और आज की वीडियो में ना मैं भाई लोग आप लोगों को कोई भी ड्रिल वगैरह कुछ भी नहीं बताऊंगा, ठीक है, कुछ अलग तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलो भाई इस कमाल की वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अब भाई बढ़ते सीधा पॉइंट नंबर 1 की तरफ, ठीक है। अब देखो भाई किसी भी बंदे के साथ 1v1 करते टाइम चाहे वो बंदा कैंपर हो, चाहे वो बंदा एग्रेसिव हो, चाहे वो बंदा डिफेंसिव हो, सबसे पहले आपको जानना होगा बंदे का प्लेइंग स्टाइल, मतलब भाई बंदा किस तरीके से खेल रहा है। अब देखो भाई काफी सारे बंदे मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि भाई तुम बंदे का जो माइंड है उसको कैसे रीड करते हो और बंदे का जो प्लेइंग स्टाइल है उसको भाई हम कैसे जाने। अब देखो भाई साहब बंदे का माइंड रीड और भाई प्लेइंग स्टाइल जानना भाई बहुत ही सिंपल काम है, लेकिन भाई काफी सारे बंदों को ये लगता है ये भाई बहुत ही मुश्किल काम है। तो जिनको लगता है कि भाई ये बहुत ही मुश्किल काम है तो भाई आप गलत हो, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल काम है, ठीक है। तो मैं भाई लोग आप लोगों को एक दफा समझाने की कोशिश करता हूँ। अब भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे भाई आपको भाई टीडीएम में टोटल 5 पार्ट देखने को मिल जाता है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द फाइट होता है। अब भाई टीडीएम स्टार्ट होते ही एक दो बारी फाइट लेते टाइम आपको सबसे पहले ये देखना है, ठीक है, कि ये जो 5 पार्ट आपको टीडीएम में देखने को मिल जाता है सामने वाला बंदा कौन से पार्ट में भाई सबसे ज्यादा फाइट ले रहा है। ये चीज भाई साहब अगर आपने एक बार जान लिया ना कि सामने वाला बंदा बार बार लेफ्ट साइड से आ रहा है या फिर भाई सामने वाला बंदा बार बार राइट साइड से आ रहा है या फिर भाई सामने वाला बंदा ज्यादातर टाइम भाई बेस में ही कैंप कर रहा है, ठीक है, तो ये चीज भाई अगर आपने एक बार जान लिया तो वो मैच भाई आप बहुत ही ज्यादा इजिली तरीके से विन कर सकते हो। अब देखो भाई दुनिया में जितने भी सारे टीडीएम प्लेयर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, सबका अलग अलग प्लेइंग स्टाइल होता है, ठीक है, और हर बार भाई प्लेइंग स्टाइल चेंज करके खेलने वाला प्लेयर ना भाई बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये चीज भाई आप याद रखना कि सामने वाला बंदा अगर भाई लेफ्ट की तरफ से आके आपको 2 बार भी फिनिश कर देता है ना तो वो बंदा भाई पूरा मैच भाई लेफ्ट की तरफ से आना ही भाई प्रेफर करेगा। और जब भाई आप ये चीज देखोगे ना कि भाई बंदा एक ही साइड से बार बार आ रहा है तब भाई आप अपने हिसाब से अलग अलग जगह से भाई एंगल बना के भाई उस बंदे को बहुत ही ज्यादा इजिली तरीके से फिनिश कर सकते हो। ये चीज अगर भाई आपको एक बार पता चल जाता है ना तब भाई बंदे का नेक्स्ट मूवमेंट कौन सा होगा वो भी भाई आपको बहुत ही ज्यादा इजिली तरीके से पता चल जाएगा। अब भाई पॉइंट नंबर 2, ठीक है, अब भाई पॉइंट नंबर 2 में हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस के बारे में, ठीक है। तो ये भाई मेन हथियार हो जाता है कोई भी 1v1 जीतने के लिए। अब देखो भाई सीन क्या होता है, मानो कि भाई आप कोई भी पेड मैच खेल रहे हो, ठीक है, या फिर भाई आप कोई भी टीडीएम टूर्नामेंट वगैरह खेल रहे हो और किसी ना किसी तरीके से भाई सामने वाला बंदा 2 पॉइंट का लीड ले लेता है और भाई सब तब कुछ बंदों का हालत भाई इतना ज्यादा टाइट हो जाता है ना भाई मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। यहाँ पे भाई कुछ बंदे एक बहुत बड़ा गलती कर लेते हैं। भाई वो बंदे क्या सोचते हैं पता है कि भाई सामने वाला बंदा कैसे भाई मेरे से 2 पॉइंट ज्यादा ले लिया, भाई मेरे को भी फटाफट से यहाँ पे पॉइंट इक्वल करना है और इसी सोच में भाई आप अंधा भाई सामने वाले बंदे के ऊपर घुस जाते हो और भाई खुद पिल के आ जाते हो। यहाँ पे क्या चीज होता है पता है, मानो कि भाई सामने वाला बंदा आपसे भाई 2 पॉइंट ज्यादा ले लेता है, ठीक है, तब भाई आप वहां पे एक चीज नोटिस करोगे कि सामने वाला बंदा भाई आपको बहुत ही ज्यादा लालच दे रहा है। आप एक चीज देखोगे कि सामने वाला बंदा क्या करेगा भाई थोड़ा सा डैमेज लेगा और भाई कवर में चला जाएगा, ठीक है, वो चाहेगा कि भाई आप उसके ऊपर अंधा घुसो ओपन से, वो रहेगा कवर में और वो भाई उस चीज का फायदा उठा के भाई आपको पेलने की कोशिश करेगा, ठीक है, और आप भाई पिल भी जाओगे। तो आप भाई कोई भी पेड मैच खेल रहे हो, कोई भी टीडीएम टूर्नामेंट खेल रहे हो, आपको भाई ये वाला चीज भाई हमेशा याद में रखना है कि आप अपना जो स्ट्रेटजी है उससे भाई हमेशा फॉलो करोगे तो पैनिक भाई आप लोगों को कभी भी होना नहीं है और एग्रेसिव खेलने की कोशिश करना नहीं है चाहे भाई बंदा कितना भी लीड क्यों ना ले ले। अब देखो वैसे पॉइंट नंबर 2 में मैं लोग आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं जो कि भाई आप लोगों को हमेशा फॉलो करना है। अब देखो अगर भाई आपका पिंग टीडीएम मैप में, ठीक है, 120 के ऊपर आता है, ठीक है, हमेशा अगर आपका पिंग 120 के ऊपर आता है, अगर भाई पिंग बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट करता है तब भाई आप कोई भी सीरियस टीडीएम मैच, कोई भी भाई पेड मैच, कोई भी टीडीएम टूर्नामेंट मैच
भाई मत खेलो, क्योंकि भाई मैंने नोटिस करा है कि FPS लो होने से जितना फर्क पड़ता है उससे भाई कई गुना ज्यादा फर्क पड़ता है अगर भाई आपका पिंग हाई होता है तो। सीधी सी बात है भाई साहब, अगर आपका पिंग भाई थोड़ा सा भी हाई आ रहा है ना भाई, तब आप वहां पे मैच नहीं जीत सकते, ठीक है ना भाई। भले ही भाई सामने वाला बंदा 20 के FPS में क्यों ना खेल रहे हो, लेकिन फिर भी भाई आप वहाँ पे मैच को विन नहीं कर सकते। अब भाई बढ़ते से पॉइंट नंबर 3 की तरफ, ठीक है। अब देखो पॉइंट नंबर 3 में मैं लोग आप लोगों को कवर टू कवर फाइट का भाई एक सीक्रेट बताऊंगा, जिसे फॉलो करने के बाद भाई आपका कवर टू कवर फाइट भाई काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। एंड आपको भाई ये भी पता चलेगा कि भाई कवर टू कवर फाइट में भाई कब भाई आपको सामने वाले बंदे के ऊपर घुसना चाहिए। अब यहाँ पे मानो कि भाई ग्रीन आप हो रेड बंदा है, ठीक है, दोनों का 100 HP। आप कवर से निकल के भाई जैसे थोड़ा सा फाइट यहाँ पे भाई आप लोग लेते हो, ठीक है, मानो कि भाई आप बंदे को एक भी हेड कनेक्ट कर लेते हो, तब भाई यहाँ पे बंदे का HP हो जाएगा 60 HP, ठीक है। और अगर भाई बंदा आपको हेड कनेक्ट नहीं कर पाता, तब भाई आपके पास यहाँ पे रहेगा भाई 70 HP। अगर भाई एक हेड अब बंदे को कनेक्ट कर लेते हो ना, सामने वाला बंदा भाई बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो भाई हमेशा ये सोचता है कि कैसे मैं भाई पीछे भाग सकता हूँ। बंदे के दिमाग में तब भाई एक ही चीज घूमता रहता है हमेशा कि भाई मेरे को यहाँ से भागना है, मेरे को अपना HP फुल करना है, ठीक है। बंदा कभी भी ये नहीं सोचता कि भाई दूसरे साइड से भी आप उसके ऊपर पुश कर सकते हो। तो भाई कवर टू कवर फाइट में अगर भाई कभी भी आपको लगे कि हाँ सामने वाला बंदा मेरे से थोड़ा सा ज्यादा डैमेज है, तब भाई सीधा बंदे के ऊपर घुस जाओ। लेकिन भाई अंधा आप लोगों को घुसना नहीं है, थोड़ा सा भाई साहब प्री फायर वगैरह देते हुए घुसो, आराम से भाई आप उस बंदे को निपटा दोगे। और ये जो चीज है ना, मैं भाई इससे हर कवर टू कवर फाइट में यूज करता हूँ भाई, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीज है। और यहाँ पे एक और चीज मैं आप लोगों को बताया, तो जब कभी भी भाई आप किसी बंदे के साथ 1v1 करो, हमेशा भाई पहला पॉइंट लेने की कोशिश करो, ठीक है ना। इससे भाई कॉन्फिडेंस लेवल भाई काफी ज्यादा तगड़ा हो जाता है। बस भाई यही एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, ऐसा वीडियो भाई कोई भी क्रिएटर बनाता नहीं है, ठीक है भाई। मेरे को लगता है जो चीज की हाँ आप लोगों को बताना चाहिए, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो बस मैं भाई शेयर कर देता हूँ। बाकी भाई कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना, और इसी तरीके से और भी टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो भाई बेल नोटिफिकेशन है उसको भाई ऑल पे कर देना, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ किसी इंटरेस्ट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।